हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम सबकी फेवरेट और बहुत ही टेस्टी चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई के लिए इंग्रेडिएंट्स देखें। ये है हमारे पास 1.5 किलो चिकन, ये है 6 टमाटर, ये 1 बाउल दही है, ये 2 छोटी प्याज लेके हमने उन्हें गोल्डन फ्राई कर लिया है, ये 2 चम्मच है 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये गार्निशिंग के लिए 3 साबुत हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये है अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा, इसको हमने बारीक काट लिया है, और ये 2 हरी मिर्चें हैं। बस सूखे मसालों में देखिए, ये है 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 चम्मच या फिर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक है, 1/2 चम्मच ये हमारे पास हल्दी पाउडर है, और ये है 1.5 चम्मच कुटा हुआ जीरा, 1.5 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1.5 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच है ये पिसा हुआ गरम मसाला। तो आइए चलिए बनाते हैं हम चिकन कढ़ाई। कढ़ाई चिकन बनाना है तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है, अब हम उसके अंदर पहले चिकन डालेंगे। चिकन हमने तेल में डाल दिया है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालकर 2 मिनट भूनेंगे। ये देखिए 2 मिनट में टमाटरों ने काफी सारा पानी छोड़ दिया है, हम इसके अंदर अब ये हल्दी मिर्च और नमक डालेंगे। अब इसे हम 2 मिनट भूनेंगे, फिर ढककर 10 मिनट के लिए सिम पर छोड़ देंगे ताकि हमारे चिकन और टमाटर दोनों गल जाएं। देखिए चिकन अच्छे से पक रहा है, अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ रहे हैं। देखिए चिकन को हल्की आंच पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, इसमें अब काफी सारा पानी हो गया है, अब हम इसे तेज आंच पर थोड़ी देर भूनेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर कुछ मसाले और डाल देते हैं। हमने ये डाला धनिया, कुटा हुआ जीरा और काली मिर्च, अब हम इसको अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे। चिकन को तेज आंच पर भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर अपने फ्राइड अनियंस डालेंगे। अच्छा, अनियंस ये ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे कढ़ाई ग्रेवी वाली अच्छी लगती है इसलिए मैं अनियंस डाल रही हूँ, अगर आपको ड्राई अच्छी लगती है तो आप अनियंस नहीं डालिए। चलिए देखिए, अब हमने ये अनियंस डाल दी और अब हम दही डालेंगे। और इसको फिर दोबारा से 10 मिनट और भूनेंगे। चिकन अच्छे से भुन गया है, इसमें से तेल भी अलग हो गया है, अब हम इसके अंदर अपनी कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक डालेंगे और इसे फिर दोबारा से 2 मिनट भूनेंगे। हमारी कढ़ाई तैयार है, देखिए कितनी खूबसूरत इसकी ग्रेवी बनी है। अब हम इसमें गरम मसाला और हरी मिर्च हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे जब हम डिश आउट करेंगे। अब हम गैस बंद करके 2 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे, फिर हम डिश आउट करते हैं। देखिए हमारी कढ़ाई तैयार है, ये बहुत खूबसूरत दिख रही है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चिकन कढ़ाई खाने के लिए तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है, इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही मजा आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।